सॉन्ग तो लोगों को लोगों ने देखा है, बहुत पसंद आया है. सॉन्ग इज़ अबाउट दो भाई है और दोनों साथ में किस तरह से डेली रूटीन की लाइफ जी रहे हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कैसे इन्जॉय करते हैं. और ये गाना है भाइयों के कनेक्शन का, और वो कनेक्शन सबको बहुत पसंद आ रहा है. वो कनेक्शन जब मैंने होम इसको प्रिपेयर किया इस गाने को, तो मैंने कनेक्शन लिया था अपने भाई से. ये मेरा छोटा भाई है शर्जिल खान, एंड शर्जिल इज़ बीन वर्किंग विथ मी जब वो 10th में था, उसके बाद से मेरे साथ काम कर रहा है. तो ग्रो किया है हम दोनों ने साथ में काम करके, और उसके बावजूद हम दोनों का जो रिश्ता है और हमारे बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो जब गाना मुझे मिला था तो वो चीज़ों को इस गाने में मैंने जोड़ दिया. क्योंकि हम दोनों भाई हैं, और सलमान सर सोहेल सर भी भाई भाई है, हम दोनों भाई बहन हैं, तो हम दोनों शायद फ़ौरन कनेक्ट हो गए गाने के साथ में. और शर्जिल इंस्टेंटली कनेक्ट हुआ, क्योंकि जो गाल पे हाथ लगाने वाली स्टेप्स थी या ये स्टेप थी, यू नो ही गॉट दिस, छोटा सा चीज़ वो बताएगा शर्जिल के हाउ ही गॉट दैट इन टू इट. एक्चुअली जब ये गाना मिला, मैं इनको बॉस बोलता हूँ बेसिकली काम के टाइम में, तो मैं यहाँ भी बॉस ही बोलूँगा इनको. जब बॉस को ये गाना मिला तो इन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल किया कि वी गॉट अ कॉल, अभी वी गॉट अ सॉन्ग सलमान खान के साथ अगेन, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स कबीर खान. तो आई वॉज एक्साइटेड, देन वी मेट एंड शी डिस्कस्ड विथ मी अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, एंड आई थिंक जितना जल्दी वो कनेक्ट हो गए थे उससे, एंड शी वॉन्टेड टू सी मैं कितना जल्दी कनेक्ट होता हूँ इस सॉन्ग से फर्स्ट ऑफ ऑल. तो उन्होंने बताया नहीं कुछ, मुझे सिर्फ कैरेक्टर पता, तो मैं भी बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया. बोला यार ये तो हमारी स्टोरी जैसा है, यू नो आई हैव एल्डर ब्रदर टू, एंड हमारा बॉन्डिंग और मेरा इनका बॉन्डिंग, ये लड़की है मैं लड़का हूँ, लेकिन हम लोगों का बॉन्डिंग दोनों का लड़के जैसा ही है प्रॉपर. तो मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया. देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग पर्टिकुलर, कि हमने पहले स्टोरी बनाया इस गाने की. सबसे पहले तो कैरेक्टर को मैं समझा, उन्होंने मुझे समझाया, मैं समझा कैरेक्टर को, फिर उसमें थोड़ा और इनपुट किया हम लोगों ने और स्टोरी डेवलप किया. उसके बाद हम रिहर्सल पे डांस कोरियोग्राफ मूवमेंट्स करने हैं, तो हम लोगों को वो हम लोग का पैटर्न ही वो है. बॉस का पैटर्न ये है कि पहले स्टोरी बनाओ गाने की, 3 मिनट के गाने में एक फिल्म जैसी स्टोरी बनाओ, उसके बाद उसको कंपोज करो, तो आप कैरेक्टर के साथ रहते हो. तो हम लोग कैरेक्टर पकड़ चुके थे पहले ही, फिर हमने स्टोरी बनाया, फिर हमने एनालाइज किया कि मूवमेंट्स कौन सी कितनी, सलमान भाई कितना होल्ड कर सकते हो, और फिर उनके कैरेक्टर को पकड़ के उनका स्टाइल भी एक डालना पड़ता है पर्टिकुलर, उनका भी एक पर्टिकुलर स्टाइल है, उसको हम मिस नहीं कर सकते जो ऑडियंस को पसंद आता है. फिर सेकंड था सोहेल भाई थे इसके अंदर, अभी सोहेल भाई को भी डांस कितना इजी है कितना डिफिकल्ट उनको उनके कैरेक्टर के हिसाब से करना है, और सलमान भाई के स्टाइल के उनको भी मैच करना है. तो इट वॉज एक्साइटिंग, एट द सेम टाइम थोड़ा डिफिकल्ट भी था, बिकॉज जब सलमान भाई आते तो हम लोगों को एक्स्ट्रा मूव्स करना पड़ता है कंपोज, करके रखना पड़ता है. उनके दिमाग को कोई पकड़ नहीं सकता है कौन सा कब अच्छा लग जाए उनको, आप खड़े खड़े हिलते रहो तो बोले कि ये क्या किए कर, ऐसा था. तो रही बात ये मूवमेंट की, ये सब तो बेसिकली आई हैव अ यंगर ब्रदर ऑल्सो, वी आई डू टू हिम, ये सब मैं ऐसा बहुत करता था उसके साथ में. तो ये गाना बेसिकली हमने कंपोज हंसते हंसते कर लिया, सोचा पहले था डेवलपमेंट के टाइम पे कैरेक्टर को पकड़ने के टाइम, उसके बाद में सोचना बंद कर दिया, फिर हमने बोला अभी हम सिर्फ करेंगे मूवमेंट्स और देखते क्या क्या आता है. तो ये मूवमेंट्स उसी तरीके से आया, और फिर ये मूवमेंट था ये भी मैं जस्ट सोच रहा था कुछ अपने आप को मार मार के, तो इन्होंने पकड़ लिया वो क्या किया तूने, फिर उसमें मैंने फुट मूवमेंट डाल दिया. तो जब कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें बनती है वो आप सोच के करोगे तो कभी नहीं बनेगी, ये हमारा मानना है, इनका ये मानना है मेरा ये मानना, सोचोगे आप तो आप घूम जाओगे उसके अंदर. अब जितना इंस्टेंट करते रहोगे चीज़ों को उतना वो मूवमेंट्स बनती रहती है. और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट था कि हमारा और सलमान सर का एक जो तालमेल है, जो कनेक्शन है, वो बहुत ज़रूरी था. सलमान सर के साथ काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें समझो. अगर आप बिल्कुल उन्हें नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगा आपको कि काम कैसे करना है. क्योंकि मैं इतने साल से उनके साथ काम कर रही हूँ, असिस्टेंट से लेकर उसके बाद हमने जय हो की, दबंग की, प्रेम रतन धन फायो की, और फिर ये फिल्म, तो इतने सालों से एक समझ रही है आपस में. और उन्होंने भी मुझे जब इस गाने के लिए चुना होगा तो बहुत सोच समझ के चुना होगा कि प्रेम रतन पे 8 गाने किए मैंने, उन्होंने देखा मेरा काम, और फिर स्टोरी टेलिंग और डांस का और कैरेक्टर्स को और स्टोरी को समझने का एक कॉम्बिनेशन जो उन्हें पता है, उन्हें समझता है कि मुझे समझ में आने लगा है, तभी उन्होंने आई थिंक हमें चूज़ करके ये गाना दिया. और फिर कबीर सर का भी ब्रीफ बहुत अच्छा था हम लोगों को, और बहुत ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, ही न्यू दैट वो क्या फिल्म लिख रहे हैं, गाने में क्या कैरेक्टर है. और मुझे जब उनका एक्सप्लेनेशन सामने आया, जब उन्होंने समझाया, तो गाना बिल्कुल मुझे दिखने लगा था. बट इस गाने के लिए कनेक्शन बहुत ज़रूरी था, जो रिश्तों की कनेक्टिविटी है वो मैंने अपने रिश्ते से, अपने भाई के रिश्ते से ग्रैप किया और उसको उसमें डाला, और सलमान सर और सोहेल सर ने उसको परफॉर्म करके जान डाल दी उसमें, क्योंकि वो दोनों भी समझ गए फौरन. तो इस गाने में बहुत कम जगह ऐसी थी जहाँ पे सलमान सर ने स्टेप्स चेंज की,
नॉर्मली लोगों का मिसकंसेप्शन है उनको लेकर के, वो स्टेप्स चेंज कर देते हैं, कोरियोग्राफी में इन्वॉल्व नहीं, ऐसे नहीं करते वो। अगर स्टेप्स अच्छी की है, मैं जाती हूँ, 3-4 स्टेप्स हम लोग करके जाते हैं उनके पास, 5 स्टेप्स तो हम करके जाते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ की, और फिर वो उसमें से चूज़ करते हैं, या कभी कहते हैं कि इसका एंड उठा लो, इसका बिगनिंग उठा लो। तो उनकी समझ अपनी ऑडियंस को समझने की हमसे कहीं ज़्यादा सुपीरियर है, तो उन पर ट्रस्ट करना ही सबसे बड़ी बात है कि उनको ट्रस्ट करो, बिकॉज वो जानते हैं उनकी ऑडियंस क्या है। और हम जानते हैं कि सलमान सर के ऊपर करना है तो ये ऐसा लगेगा, हमारा काम है कोरियोग्राफ करके ले जाना। और फिर सलमान सर ने ऐसा कम मौके आए इस गाने में जहाँ पे उन्होंने चेंज किया, आई थिंक कभी इस गाने नहीं में एक भी मोमेंट को उन्होंने कभी भी चेंज नहीं किया, हमेशा जब बहुत अच्छा ये कर लो सॉन्ग तो वो ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते, वो बोल देते हैं। हम जाके दिखाते हैं जब, तो हम लोग को ये रहता है कि अब क्या चेंज करेंगे क्या नहीं करेंगे, बिकॉज सी उनका एक ऑरा है, उनको पता है उन पर क्या सूट करता है। बट इस सॉन्ग में हम लोगों को डाउट नहीं था कहीं भी कि कुछ चेंज होगा, क्योंकि हम लोग ने उनके हिसाब से 5 to 6 मोमेंट्स करके गए थे मूवमेंट, और उन्होंने हमको पूछा कि व्हाट यू लाइक शबीना इन दिस, तो शी ऑल्सो सेड दिस मोमेंट आई लाइक एंड दिस मोमेंट, तो ये सर ओके यही करते ही अच्छा है एक्चुअली। तो ये स्टेप और एक वो जो पैर का स्टेप है घुटने का, जो बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है, ये तो दोनों स्टेप जो है वो उसी तरीके से निकल के आया है। और रही बात फिल्म 1960s और 62 की है, फिर उस ज़माने का भाव भाव बॉडी लैंग्वेज समझना, उसके लिए बहुत रिसर्च किया हम लोगों ने पूरी टीम ने बैठकर, और उसके बाद में इस तरह के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को वो स्टेप देना, और उसके बाद वो स्टेप अच्छी भी लगना चाहिए लोगों को, तो ये सारी चीज़ें जो थी इसके ऊपर बहुत होमवर्क किया गया। तो रिहर्सल हॉल आने से पहले ही बहुत बड़ा होमवर्क सेशन होता है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, स्टोरी बना के असिस्टेंट्स को एक्सप्लेन करके वी लॉक इट, देन कबीर सर के साथ में कंबाइन मीटिंग, उनको सुना के व्हाट ही लाइक्ड व्हाट ही डिडंट एंड व्हाट इम्प्रोवाइजेशन वी डू टुगेदर, उसके बाद मैं रिहर्सल पे आती हूँ, ये मेरा नॉर्मल प्रोसेस है। तो आई एम वेरी हैप्पी। हर गाने के हिसाब से इस गाने में हम लोगों को सलमान भाई के लिए मोमेंट्स कंपोज करने में थोड़ा डिफिकल्टीज हुई थी, बिकॉज 1962 के स्टाइल को पकड़ना था, और एट द सेम टाइम वो ट्यूबलाइट और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ, फिर वो मास्क, वो गाने में नॉर्मल डांस करते हुए नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए कि उनका कैरेक्टर डांस, तो वो थोड़ा हम लोगों के लिए डिफिकल्ट था कंपोज करने, थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन इट कम सलमान भाई के बारे में, तो हम लोगों को एक बेनिफिट भी होता है कि यार मास्क को भाई कुछ भी करेगी वो अच्छा ही लगने वाला है, बट हम लोगों का एक था कि माइंड में कैरेक्टर को पकड़ के रखना, बिकॉज शी इज़ दी वन कोरियोग्राफर आई थिंक सो यहाँ पर इंडस्ट्री में वी हैव हु डजंट लिव कैरेक्टर, कैरेक्टर को छोड़ के वो कभी नहीं करते। इसीलिए मैं भी जब गाने करता हूँ अपने, तो मेरे वो घुस चुका है दिमाग में कि कैरेक्टर को छोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते हो बॉस, अगर कैरेक्टर को छोड़ के करो तो आप कोरियोग्राफर हो ही नहीं सकते फिर किसी भी एंगल से। सो लेगेसी ऑफ कोरियोग्राफी यही है कि कोरियोग्राफी का काम सिर्फ डांस तक नहीं रहता महदूद, उसके अंदर कैरेक्टर स्टोरी डायरेक्टर्स विजन को समझ कर गानों को कंपोज करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये लेगेसी को हम लोग इंशाल्लाह कायम रखेंगे। ये तो शर्मा खान के काम की बात हुई, इस तरह से काम करते हैं, ऐसे ह्यूमन किस तरह से है बहुत अच्छे, लाइक बीइंग ह्यूमन इज द सबके सामने है किस तरह के वो इंसान है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि वो स्टार है और उन्होंने किसी की मदद की और वो आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो उनकी जो चैरिटी करने का जो अंदाज़ उन्होंने शुरू किया है और जो ये किया, ये बहुत बड़ी बात है। एज ए ह्यूमन ऑल्सो ही इज लाइक दैट ओनली, कई बार तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती और वो समझ जाते हैं चीज़ों को। मैंने खुद देखा है कि कई बार कोई इंसान उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और इतना बड़ा स्टार है वो कह नहीं पा रहा, लेकिन सलमान सर देखकर समझ जाएंगे। तो उन इतने साल से वो you know, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इंसानों को पहचानते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो ही इज द वंडरफुल ह्यूमन बीइंग आई हैव कम अक्रॉस। आई मीन टू बॉडी बिल्डिंग बेसिकली, मुझे बॉडी बिल्डिंग पसंद है, जिम जाना पसंद है, तो हम लोग मोस्टली हमारा बॉन्डिंग जो है गाने के टाइम पे हम मूवमेंट्स के बारे में कम, हम जिम के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। मैं उनके साथ ही वर्कआउट करता था जब भी मैं काम करता था, ही यूज़ टू कॉल मी वर्कआउट कर लो साथ में आके, तो हम लोग ज़्यादा ही जिम के बारे में बात करते थे। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस हुआ इतने साल, 3 से 4 फिल्में किया है, ही इज़ अ स्टार एंड एट द सेम टाइम इज़ अ वेरी हम्बल गाय, वेरी हम्बल गाय, गोल्डन हार्ट गाय। आप डर तो लगता है उनके सामने कि कब क्या बुरा लगे, लेकिन अभी मेरे साथ में ऐसा कभी हुआ नहीं उनके साथ में, बिकॉज मैं एज अ फ्रेंड तो नहीं बोल सकते, बिकॉज आई कान बी हिज फ्रेंड, वो हम लोगों के मेंटोर है बेसिकली, तो फ्रेंड तो नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन इट्स एवरी टाइम जब भी हम लोग काम करते हैं इट्स फन टू वर्क विथ हिम एंड इज़ अ गोल्डन हार्ट पर्सन। हाँ, और उनके साथ में काम करने का सबसे बेस्ट होता है कि आपको सीखने मिलता है कुछ और, यू नो, उनका जो तरीका है मोमेंट्स को कैप्चर करने का, सीखने का, द बेस्ट पार्ट इज़ वो कभी कम रिहर्सल करते ही नहीं है। एक बार बताओ उनको, बस खत्म हो गया, बताओ कि चलो करते, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट पार्ट ऑफ इट।